Okay, is it fine now? Is it okay now? I think it should be fine now क्योंकि माइक डिस्कनेक्टेड था. ओके आ गई अभी. ओके थैंक्स अ लॉट. यस सो लेट्स स्टार्ट द सेशन फ्रॉम हियर. सो करंटली देर आर थ्री कोर्सेज अवेलेबल. करंटली अभी थ्री कोर्सेज है अनअकेडमी प्लस पर. वन इज डीलिंग विद इंडियन ज्योग्राफी. एक इंडियन ज्योग्राफी का है, फिजिकल ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स है, एंड देन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का है. इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड देन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. ये जो एनवायरनमेंट का कोर्स है, डेली 2 आवर्स का सेशन होता है. इसमें 10 AM पर डेली वी हैव क्लास ऑफ 2 आवर्स और ये 28th February तक चलेगा. सो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो अभी भी आप एनरोल कर सकते हो. क्लासेज चल रही हैं, स्टिल आप कंटेंट डाउनलोड कर पाओगे और आप वीकली क्विजेज भी ले सकते हो. ओके और तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो. ऑल्सो अनअकेडमी फ्री प्लेटफॉर्म पर आप मुझे सर्च कर सकते हो. देर आर सम पॉपुलर कोर्सेज जैसे कि अल्टीमेट कोर्स ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर है. इसके अलावा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है. सो यू कैन चेक दैट एज वेल. यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, हम इंटरनेशनल और नेशनल कन्वेंशंस के बारे में पढ़ रहे हैं. अर्लियर जो लेसन्स है उसमें हमने कवर किया था कि इंडिया के एफर्ट्स क्या क्या हैं जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है. जैसे कि NAPCC है वो हमने कवर कर दिया था. इसके अलावा UNFCCC के जो COPs हैं वो हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में. यहाँ पर आगे हम कवर कर रहे हैं बेसल कन्वेंशन. तो आप मुझे बताओ बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है. बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है. बेसल कन्वेंशन तो बेसिकली बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कन्वेंशंस ना जो कि पोल्यूटेंट से डिस्कस करते डील करते हैं. जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन है. सो यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड बेसल कन्वेंशन और रोटरडेम कन्वेंशन. ये तीन मेन कन्वेंशंस है जो कि किससे डील करते हैं, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं. रोटरडेम कन्वेंशंस तो ये तीन कन्वेंशंस है. क्योटो प्रोटोकॉल ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं विपिन. क्योटो प्रोटोकॉल वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस क्लास. तो आप प्रीवियस क्लास अनअकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो. सो दिस टॉपिक इज डीलिंग विद इंटरनेशनल एंड नेशनल कन्वेंशंस. एनवायरमेंट रिलेटेड कन्वेंशंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. चलो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करती हूँ. आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं बाद में लूंगी, ठीक है. बाद में डाउट्स हम डिस्कस करेंगे. सो इन बिटवीन द क्लास अगर मैं डाउट्स पूछूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. इन केस यू नीड द PDF ऑफ दिस क्लासेस तो आप PDF के लिए अनअकेडमी प्लस के कोर्सेज सब्सक्राइब कर सकते हो. बेसल कन्वेंशन क्या करता है. बेसिकली जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है. ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट का मतलब है कि जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट होता है. अब ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे कोई कोई गुड्स जैसे वो हो रही है, मतलब एक्सपोर्ट हो रही है या फिर इम्पोर्ट हो रही है, तो देयर मे बी सम हार्मफुल पोल्यूटेंट विद दैट गुड. कोई एक हार्मफुल वेस्ट हो सकता है, जार्डस वेस्ट हो सकता है, तो ये बेसिकली उसके साथ डील करता है. ये तीन टाइप से है, मतलब तीन कन्वेंशन है. तीनों ही पोल्यूटेंट से डील करती है, बट तीनों के अलग अलग तरीके हैं. इसको बेसल कन्वेंशन भी बोलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी, नॉट ए नेशनल ट्रीटी. इट इज़ इंटरनेशनल ट्रीटी. इट इज़ कवरिंग डिफरेंट कंट्रीज. दैट वॉज बेसिकली डिजाइंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट बिटवीन द मेंबर नेशंस. जो भी नेशंस है इसके सिग्नेटरी है, रेटिफाई किया हुआ है, तो उसमें मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए ये किया गया था. मेनली स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा जो वेस्ट होता है, जैसे जिसको डंपिंग बोलते हैं, सबसे ज़्यादा वेस्ट डेवलप्ड नेशन से जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर वो लोग डंप कर देते हैं, ठीक है. तो इसको बेसिकली ये टारगेट उसी को करता है कि कोई डेवलप्ड नेशन किसी भी डेवलपिंग या फिर लेस डेवलप्ड कंट्री में ऐसी डंपिंग ना कर पाए हैजार्डस वेस्ट की. इज दैट क्लियर. तो ये बेसल कन्वेंशन है. अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट डज नॉट एड्रेस द मूवमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट से रिलेटेड जो भी, मतलब जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, जो आपका न्यूक्लियर वेस्ट होता है, न्यूक्लियर प्लांट से जो वेस्ट रिलीज होता है. आप मुझे बताओ कि रेडियो एक्टिव वेस्ट के क्या क्या सोर्सेज हैं. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट. और इंडिया में इससे रिलेटेड कौन कौन से लॉज वगैरह, लॉज कन्वेंशंस जो भी, जो कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को के साथ डील करता है. सो यू टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ये जो कन्वेंशन थी इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1992, जब अर्थ उस टाइम पर 1992 में, इन द सेम ईयर
अर्थ समिट भी हुई थी. एज ऑफ फेबररी 2018 देर आर 185 स्टेट्स जो जिन्होंने इसको रेटिफाई किया हुआ है. दो ज़्यादा पार्टी मेंबर्स. ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको साइन किया हुआ है बट इट हैज़ नॉट रेटिफाइड इट. अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया यूनाइटेड स्टेट्स ने. अब मुझे बताओ कि रेटिफिकेशन और साइन करने में और रेटिफिकाई करने में डिफरेंस क्या होता है. वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बिटवीन साइनिंग ए कन्वेंशन एंड इट्स रेटिफिकेशन. क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोटेक्ट, डेफिनेटली टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट. अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, तब तक आप मुझे बताओ व्हाट डू वी मीन बाय द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स जो होते हैं उनको मतलब क्या समझते हो आप, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं उसमें. और एक मुझे बताओ कि डर्टी डजन जो टर्म है, डर्टी डजन टर्म किससे एसोसिएटेड है. डर्टी डजन टर्म किससे एसोसिएटेड है. इट्स स्कोप ऑफ एप्लीकेशन कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ वेस्ट डिफाइंड एज हैजार्डस वेस्ट, जो कि किसी भी ह्यूमन हेल्थ के लिए हैजार्डस हो सकता है. जैसे कि टॉक्सिक होते हैं, हाईली टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, ई वेस्ट हो गया, न्यूक्लियर वेस्ट हो गया. न्यूक्लियर वेस्ट इसके अंदर नहीं कवर होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट इसके अंदर नहीं कवर होता है. ओके, हाउस होल्ड वेस्ट और अदर जो इंसिनरेटर वेस्ट होते हैं तो वो साइज में कवर होते हैं. एम्स एंड प्रोविजंस क्या क्या हैं. दिस आर द फॉलोइंग एम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन. फर्स्ट एम है द रिडक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेस्ट, मूवमेंट ऑफ वेस्ट को रिड्यूस करना. प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ हैजार्डस वेस्ट. ऑब्वियसली एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट का मतलब है उसको अच्छे से डिस्पोज करना. बिकॉज वेस्ट के मामले में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि डिस्पोजल अच्छे से नहीं होता है, डिस्पोज अच्छे से नहीं होता है. जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट होता है, डोमेस्टिक वेस्ट होता है, और एक जो होता है आपका म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, तो उसको सेग्रीगेट नहीं किया जाता है डिस्पोज करते टाइम, जिसकी वजह से काफ़ी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो रिलीज कर हो जाते हैं. The restriction of transboundary movements where it is perceived to be in accordance with the principles of environmentally sound management. Any regulatory system applying to cases where transboundary movements are permissible. कई सारे केसेस में क्या होता है, permissible भी हो सकता है. कई सारे केसेस में क्या होता है, permissible भी हो सकता है. अब आप मुझे बताओ कि what will happen if some country is not a party member of the Basel Convention. अगर कोई कंट्रीज बेसल कन्वेंशन का पार्टी मेंबर नहीं है तो उसमें क्या हो सकता है, तो उस केस में क्या हो सकता है. ओके, लेट मी जस्ट चेक योर आंसर्स फर्स्ट. Members to follow the rules of that convention ratification, the country has to come up with some framework. Yes, dirty dozen is a term associated with 12 POPs. This is associated with Stockholm Convention. मैं आपसे ये पूछ रही थी कि कौन सी convention से associated है. Dirty dozen जो एक term है, कौन सी convention से associated है. So it is associated with Stockholm Convention only. ओके, तो फर्स्ट एम है इसका टू एड्रेस थ्रू ए नंबर ऑफ जनरल प्रोविजंस, जिसमें क्या किया जाता है, स्टेट्स को स्टेट्स जो होती हैं वो ऑब्जर्व करती हैं कि क्या क्या हैजार्डस पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो कि इंपोर्ट किए जा सकते हैं. कई सारे स्टेट्स जो होते हैं वो बेसल कन्वेंशन के पार्टी मेंबर नहीं होते हैं, बट स्टिल अगर उन्होंने इम्पोर्ट बैन किया है, अगर उन्होंने इम्पोर्ट बैन किया तो वहाँ पर कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है. ठीक है, तो ये एक वो होता है कि तुम खुद से भी या तो ये बोल सकते हो कि लेबल कर दो, मतलब कोई एक लेबलिंग होती है कि हैजार्डस वेस्ट अगर उसके अंदर है तो उसमें लेबलिंग भी की जाती है. कई जगह पर इम्पोर्ट बैन भी किया जाता है, हो चुका होता है. वेस्ट कौन कौन से कवर्ड इसमें होते हैं. जो हाईली टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, हाईली टॉक्सिक इग्नाइटेबल जो इन्फ्लामेबल वेस्ट होते हैं, रिएक्टिविटी अगर ज़्यादा होती है, इकोटॉक्सिसिटी अगर उस वेस्ट की ज़्यादा है, तो जैसे कि लेड जो होता है, लेड एक हाईली टॉक्सिक मेटल है, तो इस हिसाब से मतलब जो ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. इसके अलावा जो क्लिनिकल वेस्ट होते हैं, माइनिंग वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे इंडस्ट्रियल में कई सारे जो बाई प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, मर्क्यूरी एंड ऑल, एग्रीकल्चर वेस्ट, एंड ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड कमोडिटीज़, तो उसकी वजह से क्योंकि ई वेस्ट बढ़ता है. आप मुझे ये बताओ कि इंडिया में कितने परसेंटेज वेस्ट ई वेस्ट है.
अभी रिसेंटली स्टडी आई थी ई वेस्ट कितने परसेंट है, डाउन टू अर्थ में शायद एक आर्टिकल अपीयर हुआ था रिलेटेड टू द ई वेस्ट. अब इसमें क्या है ट्रांसबाउंड्री, अब इसमें एक और चीज़ है कि जो पार्टी मेंबर्स हैं उनके बीच में भी अग्रीमेंट होता है, बायलेटरल अग्रीमेंट, दो कंट्रीज़ के बीच में बायलेटरल अग्रीमेंट हो सकता है, मल्टीलेटरल दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट हो सकता है रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट. जो नॉन पार्टीज़ हैं उनके साथ भी अग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, उनके साथ भी अग्रीमेंट हो सकता है जो नॉन पार्टी मेंबर कंट्रीज़ है जो कि इम्पोर्ट बैन करना चाहती है. इन ऑल केसेज वेयर ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट इज नॉट इन प्रिंसिपल प्रोहिबिटेड, अगर पूरी तरह से प्रोहिबिटेड नहीं होता है तो वो इट मे टेक प्लेस ओनली इफ इट रिप्रेजेंट्स एन एनवायरमेंटली साउंड सोल्यूशन. मतलब ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत अगर सस्टेनेबल हो तो उस केस में नॉट एट ऑल प्रोहिबिटेड हो सकता है, नॉट एट ऑल प्रोहिबिटेड हो सकता है. नो इट डज नॉट कवर रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट ये कवर नहीं करता है, ठीक है. अब इसके अंदर रेगुलेटरी सिस्टम जो है, रेगुलेटरी सिस्टम शुरू में अडॉप्ट किया गया था बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि पहले जैसे किसी को एक्सपोर्ट करना दूसरी कंट्री में कोई प्रोडक्ट, तो उसमें अगर मान लो कि कुछ परसेंटेज हार्मफुल वेस्ट हो सकता है तो उसमें प्रायर इन्फॉर्म, पहले से वो उसको इन्फॉर्म कर देगा मेंबर कंट्री को कि उस वेस्ट के बारे में, या फिर उसको लेबलिंग कर देगा. जैसे अभी वो तो अलग चीज़ है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, उसका मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दूंगी. तो इसमें प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट के बेसिस पर पहले ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट लिया गया था कि पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा. ओके, द गवर्नमेंट मे ओनली प्रोसीड इफ एंड व्हेन ऑल द स्टेट्स कंसर्न्ड हैव गिवन देयर रिटन कंसेंट. बेसल कन्वेंशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर कोऑपरेशन बिटवीन द मेंबर पार्टीज. कोऑपरेशन किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अबाउट द हैजार्डस वेस्ट, ठीक है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और मेनली यही सारी चीज़ें हैं इसमें. और अगर इलीगली ट्रेड होता है तब उसके लिए क्या है, इलीगली अगर ट्रेड होता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं. तो अगर ट्रेड इलीगली करता है कोई भी मेंबर कंट्री है, पार्टी कंट्री है, अगर ट्रांसबाउंड्री ट्रेड अगर वो इलीगली किया जाता है तो उसमें अगर वन और मोर स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो एंड इम्पोजेज द ड्यूटी टू इंश्योर सेफ डिस्पोजल आइदर बाई री इम्पोर्ट, कि उसको वापस से इम्पोर्ट करो इन टू द स्टेट ऑफ जनरेशन और अदरवाइज. कि अगर मान लो इलीगली किसी कंट्री ने बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन के उसको इम्पोर्ट कर दिया, मतलब एक्सपोर्ट कर दिया, और आगे जो इम्पोर्टिंग कंट्री है उसको पता चल गया तो उस केस में वो उसको री इम्पोर्ट कर सकता है. इसके अंदर पेनल्टी का कोई प्रोविजन नहीं है, जस्ट वो उसको री इम्पोर्ट कर देगा. इज दैट क्लियर. लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र, हाँ तो ये सही है, बट परसेंटेज आप मुझे कोई 33%, 28%, डेफिनेटली इट्स नॉट 70%, 70% तो नहीं है. और आगे आता है आपका रोटरडैम कन्वेंशन. रोटरडैम कन्वेंशन की और बेसल कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटरडैम कन्वेंशन एंड बेसल कन्वेंशन. No, it is not legally binding. Legally binding नहीं है ऋषभ, it is not legally binding. Voluntary obligations इसके अंदर होती हैं, voluntary obligations इसके अंदर होती हैं, legally binding नहीं है. Legally binding नहीं है ये. Okay, Rotterdam conventions. प्लीज़ डोंट आस्क क्वेश्चंस. देखो अगर क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं तो बहुत थोड़ी देर में आप इंटरेस्ट लूज करने लग जाते हो, बिकॉज दिस आर द फैक्ट्स, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कन्वेंशंस है. जनरली मैंने ऑब्जर्व किया कि जो एमसीक्यूज वाली क्लासेस होती हैं उसमें ज़्यादा इंटरेक्टिव रहते हैं लोग, तो लेकिन ये जो वैसे कन्वेंशनल जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वैसे, तो इसमें थोड़ी देर में आप सब लोग फिर यहाँ पर कमेंट करोगे समथिंग समथिंग, तो वो चीज़ हो जाएगी. अब रोटरडैम कन्वेंशन के बारे में पढ़ते हैं. पहली बात तो दिस इज़ द सेम थिंग, ये भी एक पोल्यूटेंट्स के साथ ही डिस्क वो करती है, डील करती है.
certain hazardous chemicals and pesticides, chemicals and pesticides, but इसके अंदर prior informed consent का procedure है. ये Rotterdam Convention is based on the entirely on the prior informed consent procedure. कि कोई भी किस proper labeling के साथ और safe handling, अगर आप safely उसको dispose कर रहे हो, safely handle करके during the trade and even when you enter the, when you are exporting some such kind of chemical जो कि harmful हो सकता है, अगर थोड़ा सा भी harmful है तो आप उसकी proper labeling करके properly उसको dispose करके उसको safe handle करके जो purchaser country है, जो importing country है, उसको explain कर सकते हो. ठीक है, किसी भी any known अगर restrictions होती हैं कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर तो उसके बारे में आप इन्फॉर्म कर सकते हो. सिग्नेटरी नेशंस कैन डिसाइड वेदर टू अलाउ. अब आगे उस इंपोर्टिंग कंट्री की वो है, मतलब उसके पास अपनी वो है कि मतलब राइट है कि वो उसको मना कर सकता है, उसको बैन भी कर सकता है. वो अलाउ करता है या नहीं करता है वो डिपेंड करता है, लेकिन उसको प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ेगा. बेसल कन्वेंशन में ऐसा नहीं है, उसमें तो टोटली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो बैन होता है, बट वो लीगली बाइंडिंग नहीं है. ये चीज़ आपको याद नहीं है, याद करने रखनी है. ओके, सिग्नेटरी नेशंस कैन डिसाइड वेदर टू अलाउ और बैन द इम्पोर्टेशन ऑफ केमिकल्स लिस्टेड इन द ट्रीटी. सो देर आर सर्टेन लिस्टिंग ऑफ द केमिकल्स and exporting countries are obliged to make sure that the producers within their jurisdiction comply. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद है. इसमें prior informed consent procedure के basis पर ये होता है, PIC procedure. They are subject to prior informed consent procedure. इसके अंदर total chemicals कितने हैं, इसके अंदर total 51 chemicals हैं. 51 केमिकल्स हैं. इसके अंदर कई सारी एनेक्सेस हैं. केमिकल्स को एनेक्सेस में डिवाइड किया गया है, एनेक्स वन, एनेक्स टू, एनेक्स थ्री. एनेक्स थ्री जो लिस्ट है उसके अंदर वो ऐसे केमिकल्स हैं जिनका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट स्ट्रिक्टली बैंड है, स्ट्रिक्टली बैंड है और रिस्ट्रिक्टेड है कम्प्लीटली, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं हेल्थ या फिर एनवायरमेंट को, तो उनका कम्प्लीटली बैंड है. ओके, पार्टी जो है उनके पास अपनी खुद की लिस्ट भी होती है, मतलब पार्टी जो पार्टी मेंबर्स है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी एक लिस्ट से उनको कंप्लाई करना है, उनकी अपनी लिस्ट भी होती है ऑफ हैज़ार्डस केमिकल्स विच आर बैंड और रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इसमें जनरली ज़्यादा केमिकल्स होते हैं एज कम्पेयर टू द एनेक्स थ्री, उससे जो ओरिजिनली उसके अंदर वैसे लिस्टिंग होती है उससे ज़्यादा उसके अंदर केमिकल्स हो सकते हैं. ओके, एक्सपोर्टिंग कंट्री या इंपोर्टिंग पार्टी जो होती है वो उसके लिए बता देती है. इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज पार्ट जो होता है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर के बेसिस पर ही काम करती है, कि पहले आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करोगे रिलेटेड टू दोज केमिकल्स, उसके बाद प्रॉपर लेबलिंग इंक्लूडिंग डायरेक्शंस आप मेंशन करोगे ऑन सेफ हैंडलिंग एंड सेफ डिस्पोजल, और उसके बाद इंपोर्टर्स को ये सारी रिस्ट्रिक्शंस और बैंस के बारे में पता चलेगा. Yet it deals with chemicals and pesticides, जो harmful hazardous chemicals होते हैं, pesticides होते हैं, international trade में उनके साथ ये deal करती है. Is it clear? तो ये इसके बारे में याद आपको रखना है. अभी recently 2018 में UN की scientific committee ने recommend किया था international trade measures for an additional 4 chemicals. Can somebody name those chemicals? वो केमिकल्स कौन से थे? 4 केमिकल्स विच आर नॉन टू बी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. तो इसके किन केमिकल्स के नाम बताओ मुझे, कौन से थे? नो, यू वी डू नॉट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द पोल्यूटेंट्स. पोल्यूटेंट्स के नेम्स आपको नहीं याद रखने हैं, लेकिन जैसे अगर स्टॉकहोम कन्वेंशन कोई एक पोल्यूटेंट है जिसका इंडिया में इशू रहा है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा. वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा आपको याद रखना है. With a goal to protect human health and environment by assisting governments to make informed decision concerning trade in pesticides and industrial chemicals. तो ये केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के बैन के लिए काम करती है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर के बेसिस पर. गॉट इट? तो ये आपको याद रखनी है. इसकी मीटिंग हुई थी अभी, और मीटिंग हुई थी उसमें 4 केमिकल्स को ऐड किया गया था. ये 4 हैज़ार्डस केमिकल्स है. सबसे पहला ये पेस्टिसाइड है. ठीक है, पहला पेस्टिसाइड है, इसका नाम है एसीटोक्लोर. ये क्या करती है, जो मेज की वो होती है, इट फॉर एग्जांपल एज ए हर्बिसाइड और मेज इसको यूज़ किया जाता है मेज क्रॉप के लिए. अब मुझे बताओ कि मेज का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, मतलब इंडिया का क्या स्टेटस है इन द मेज प्रोडक्शन. ठीक है, तो इंडिया का क्या स्टेटस है एंड व्हाट इज़ द टॉप थ्री स्टेट्स कौन से हैं इंडिया में मेज प्रोडक्शन में, लीडिंग स्टेट्स कौन से हैं, द नेम ऑफ द लीडिंग स्टेट्स मुझे आपको बताना है. एंड रिसेंटली इससे रिलेटेड एक वीड भी थे जो कि
नॉट वीट थी या टॉक्सिक वीट थी जो न्यूज में थी, तो उसका नाम कोई अगर बता सकता है तो? ये मुझे बताओ ये क्या है, फॉल आर्मी वॉर्म, ये मुझे बताओ ये क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन करो, ये एंडेमिक है इंडिया की, क्या चीज़ है मतलब ये? तो ये हाईली टॉक्सिक है, टॉक्सिक है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की टॉक्सिक है, इसका मतलब क्या करता है ये, उसकी फूड चेन में एंटर कर सकता है और रन ऑफ के थ्रू ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में पहुंच सकता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में पहुंचते इसका सबसे पहले बायो एक्यूमुलेशन होगा कि वो किसी भी स्पीसीज, कोई स्पीसीज इसको कंज्यूम करेगा तो वो एक्यूमुलेट होगा और फाइनली बायो मैग्निफिकेशन के थ्रू ये मैग्नीफाई होता जाएगा, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी एंड अल्टीमेटली इट विल डिस्ट्रॉय द एंटायर फूड चेन और पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो सकता है। द इंडस्ट्रियल केमिकल्स कई सारे, जैसे हेक्साप्रोमोसाइक्लोडोडेसेन, ये जो है ये एक टाइप से फ्लेम रिटार्डेंट है, फ्लेम रिटार्डेंट की तरह यूज़ किया जाता है और ये कार्सिनोजेनिक है, ह्यूज कैंसर कोजिंग एजेंट्स इसके अंदर होते हैं। तो ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो कि अभी इसके अंदर वो किया गया, रिकमेंड किया गया है कि इन सब के ऊपर बैन लगना चाहिए। तो सिंस ये अभी रिसेंट में न्यूज़ में थे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चार ही केमिकल्स हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा अदर जो केमिकल्स है 51 केमिकल्स वो आपको नहीं याद रखने हैं, बट ये चार जो क्योंकि अभी न्यूज़ में थे तो आपसे पूछ सकते हैं। थर्ड जो पेस्टिसाइड है, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका इन इंडिया हाइएस्ट, वट अबाउट महाराष्ट्र? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, थोड़ी थोड़ी यहाँ पर ही प्रोडक्शन होता है। अच्छा, सूटेबल सॉयल कौन सी होती है मेज प्रोडक्शन के लिए, सूटेबल सॉयल कौन सी होती है, सूटेबल सॉयल कौन सी होती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 80% ऑफ द मेज प्रोडक्शन, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, वैसे थोड़ा थोड़ा जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में इधर भी होता है। उसके बाद तीसरा जो है वो पेस्टिसाइड है, फोरेट, ये पेस्टिसाइड है, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है एज एन इंसेक्टिसाइड इन द क्रॉप्स ऑफ कॉटन, पोटैटोज, कॉफ़ी, बीन्स एंड कॉर्न, इन यहाँ पर वो किया जाता है, मतलब यूज़ किया जाता है इंसेक्टिसाइड के रूप में और ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है, इवन इफ अगर इसकी लो डोज भी होती है तो उस केस में भी इसकी टॉक्सिसिटी हाईली पॉइजनिंग होती है, तो इसलिए इसको बैन करने की बात की गई है क्योंकि एग्रीकल्चर वर्कर्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली एक्सपोज होते हैं इसके, क्योंकि क्रॉप्स ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द वो डिपेंडेंट है, मतलब एग्रेरियन इकोनॉमीज जो है तो वहाँ पर तो थ्रेट होगा। इंडस्ट्रियल केमिकल है, उसके बाद एक और परफ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड, ये क्या है, ये डोमेस्टिक नॉन स्टिकिंग कुकिंग वेयर है एंड फूड प्रोसेसिंग अप्लायंसेस में यूज़ किया जाता है और सरफेस ट्रीटमेंट एजेंट्स इन टेक्सटाइल्स में यूज़ किया जाता है और पेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। अब मुझे एक पोलुटेंट का नाम बताओ जो हाउस पेंट्स में होता है, पोलुटेंट वो हाईली टॉक्सिक होता है, पोल्यूटेंट कौन सा होता है जो आपका हाउस पेंट होता है उसके अंदर कौन सा पोल्यूटेंट होता है और उसकी वजह से उसके क्या क्या हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना अभी। सैंड, देखो पूरी तरह से सैंडी सॉयल नहीं होती है, सैंडी सॉयल तो वैसे भी देखो अनन्या, सैंडी सॉयल जो होती है वो वैसे भी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है क्योंकि सैंडी सॉयल के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो लूज होते हैं, तो लूज पार्टिकल्स में मॉइस्चर रिटेन नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो सॉयल चाहिए होती है वो क्लेई और लॉमी सॉयल चाहिए होती है, ठीक है, क्लेई और लॉमी सॉयल चाहिए होती है थोड़ी बहुत। लेड, यस लेड, लेड इज द राइट आंसर, लेड। अच्छा, आप लोग आर्सेनिक के बारे में बता ही रहे हो तो मुझे बताओ आर्सेनिक के कंटामिनेशन से कौन सी डिजीज होती है, आर्सेनिक कंटामिनेटेड जो वाटर होता है उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है?
तो यहाँ पर ये चार मेन एलिमेंट्स हैं, ये चार पेस्टिसाइड्स हैं जो इसके अंदर कवर किए गए हैं। तो आपको इनके बारे में नेम्स इसके याद रखने हैं, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि नेम्स आपको याद रखने हैं। द डिसीजन टू लिस्ट दिस एनिमल्स विल बी टेकन इन द नेक्स्ट मीटिंग। अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं किए गए, जस्ट रिकमेंड किए गए हैं। 2019 में इसकी नेक्स्ट मीटिंग होगी, उसके बाद इसके बारे में डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। आर्सेनिक पॉइजनिंग, आर्सेनिक कोइसिस्ट एक डिजीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्किन का जो कलर है वो चेंज होने लग जाता है, स्किन का कलर चेंज होने लग जाता है। यहाँ पर एक मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि ग्राउंड लेवल जो कंटामिनेशन के लिए कौन कौन से पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन में कौन से हार्मफुल पोल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सल्फेट, सेकेंड ऑप्शन है आपका फ्लोराइड, इनसे एसोसिएटेड आपको डिजीज भी पता होनी चाहिए, और थर्ड ऑप्शन है आपका आर्सेनिक, और आपका फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रेट। तो इसमें से कौन कौन से ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन से रिलेटेड होते हैं और कौन कौन से की वजह से हार्मफुल डिजीज होती है। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट उसमें मूव करें। लेड का सबसे ज़्यादा टॉक्सिक इम्पैक्ट होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल मेनली जो इन्फेंट्स के अंदर ज़्यादा, ये एक तरह से ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। आगे आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन बेसिकली किसके साथ डील करती है, POPs के साथ डील करती है, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं जो लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट में परसिस्ट करते रहते हैं। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी, इट वॉज साइंड इन 2001, इफेक्टिव सिंस 2004। यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर दैट ट्रिवियल फैक्ट्स कि कौन सी कन्वेंशन कब साइन हुई थी, बट हाँ अगर कोई जैसे अर्थ समिट से एसोसिएटेड है या फिर कहीं पर कोई बड़ी समिट हुई है, जैसे UNFCCC की सारी जो COPs है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके ईयर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट यहाँ पर ये आप छोड़ सकते हो इतनी ज़्यादा। ये बेसिकली क्या करती है, जो प्रोडक्शन एंड यूज़ है POPs का वो एलिमिनेट करना और कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट करना। इट डज नॉट डील विद द ट्रेड, ये ट्रेड के साथ डील नहीं करती है पोल्यूटेंट्स के, कम्प्लीटली वो पोल्यूटेंट को रिमूव करना, उनको रिड्यूस करना, उनका प्रोडक्शन रिड्यूस करना, उससे डील करती है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। उसको बेसिकली POPs क्या होते हैं, POPs वो होते हैं जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं और जो एनवायरनमेंट में लंबे टाइम तक परसिस्ट करते रहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है परसिस्ट करते रहते हैं, और फाइनली कोई एक एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट होगा तो ब्रीदिंग के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू वो क्या हो सकता है, फूड चेन में एक्यूमुलेट हो सकता है, तो उसकी वजह से बायो एक्यूमुलेशन हो सकता है फूड वेब में या फूड चेन में, और अल्टीमेटली फिर क्या होगा, अगर वो पोल्यूटेंट ज़्यादा फैट सोल्यूबल है या फिर अंदर ज़्यादा टाइम तक परसिस्ट करा, क्योंकि ऑब्वियसली परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो एडवर्स इफेक्ट डाल सकते हैं। ओके, आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है, ग्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की पॉइजनिंग की वजह से होता है, हाँ फ्लोराइड की वजह से भी एक डिजीज होती है, टिथ डिफॉर्मिटी जो होती है वो ज़्यादा फ्लोराइड कंटामिनेटेड वाटर लेने से होती है, टिथ डिफॉर्मिटी, तो वो भी आपको याद रखना है, ब्लैक फुट डिजीज, और बाकी यस फ्लोरोसिस इज द डिजीज, ग्रेट। और सल्फेट के बारे में किसी ने नहीं बताया, सल्फेट कंटामिनेशन होता है क्या, मतलब ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड होता है, कंटामिनेशन उसमें हो सकता है क्या? तो ये POPs से डील करती है, नॉट द ट्रेड बट एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन, रिस्ट्रिक्ट करना उनको। इसके अंदर एक टर्म आती है डर्टी डजन, डजन का मतलब है इसके अंदर 12 पोल्यूटेंट्स हैं, 12 वर्स्ट ऑफेंडर्स, ये लिस्ट डाली गई है और इनको डर्टी डजन बोला गया है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, तो इनिशियली इसमें 12 POPs हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज कॉजिंग एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस। अब आपको कौन कौन से इसके अंदर याद रखने, देखो DDT एक तो याद रखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका इंडिया में भी इशू चला था DDT का, पेस्टिसाइड्स ये कई सारे कंट्रीज में बैंड है, इसकी फुल फॉर्म क्या आप मुझे बताओ, DDT की फुल फॉर्म क्या है,
इसके अलावा एल्ड्रिन ये बैन है, टोक्सोफिन ये बैन है, सारे एलिमेंट्स आपको नहीं याद रखने, इतना नहीं पूछे जाएगा। इंडस्ट्रियल केमिकल्स है हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफिनाइल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाई प्रोडक्ट्स के रूप में इंडस्ट्रीज में रिलीज होता है। इसके अलावा बाई प्रोडक्ट्स और कौन से है, पाईक्लोरिनेटेड डाई बेंजोपी डाइऑक्सिन है, इसके अलावा पॉलीक्लोरिनेटेड डाई बेंजोफ्यूरान्स है, तो पीसीडीडी पीसीडीएफ ये भी इसके अंदर बैंड है। पेस्टिसाइड्स के अंदर डीडीटी है, एंट्रीन है, और इसके अलावा हेफ्टाक्लोर है, हेफ्टाक्लोर जो कि अभी हमने पढ़ा था उसमें भी बात की गई है। तो ये पेस्टिसाइड्स हैं, ये पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, और ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं और ये बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो ये तीन कैटेगराइजेशन किया गया इस हिसाब से, और इसमें पोल्यूटेंट्स 12 POPs इसमें कवर किए गए हैं, 12 POPs इसमें कवर किए गए ड्यूरिंग लीचिंग ऑफ माइनिंग। यस एंडोसल्फान हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ। एंडोसल्फान का इशू इंडिया में चलता है बेसिकली, आप मुझे बताओ कि एंडोसल्फान कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन सी प्लांटेशन, कहाँ कौन सी क्रॉप में यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा इशू कहाँ पर रहता है। देखो एंडोसल्फान को पूरी तरह से बैन नहीं किया गया था, 2011 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, बट उसके बाद कुछ सारी कंट्रीज़ में इसके कई सारे उसके साथ मतलब कई सारे यूजेस इसके वो किए गए थे, फ्लेक्सिबल रखा गया था कि कुछ सारे यूजेस इसके हो सकते हैं एंडोसल्फान के लिए। कैशू प्लांटेशन, कैशू प्लांटेशंस में यूज़ किया जाता था ना। ट्रीटी एंटर, ये कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2004। को सिग्नेटरीज एग्री टू आउटलॉ 9 ऑफ द डर्टी डजन एलिमेंट्स, लिमिट द यूज ऑफ डीडीटी टू मलेरिया कंट्रोल एंड कर्टेल इनएडवर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ डाइऑक्सिन्स एंड फ्यूरान्स। तो कम्प्लीटली अभी तक बैन कुछ ही कंट्रीज में है, पूरी तरह से बैन सारी कंट्रीज में नहीं है। 2012 में बेसल सेक्रेटेरिएट एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन एज वेल एज रोटरडैम कन्वेंशन सेक्रेटेरिएट, दे वर ऑल मर्ज्ड इनटू ए सिंगल सेक्रेटेरिएट, इन तीनों को मर्ज कर दिया था सिंगल सेक्रेटेरिएट में, क्योंकि तीनों ही हार्मफुल वेस्ट से, हार्मफुल पोल्यूटेंट से डिस्कस डील करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। पीसीपी एंड द स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, तो मेनली ग्लोबल ट्रीटी है, ये मैंने आपको बता दिया। सीओपी हर एक दो साल में मीटिंग होती है, रिव्यू मीटिंग होती है हर एक दो साल में इसके। और ये जो बीआरएस कन्वेंशन है, अगर आपको आए बीआरएस कन्वेंशन क्या है, दिस इज नथिंग बट बेसल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। सो इट इज ए कलेक्टिव टर्म विच हैज बीन यूज्ड फॉर दिस थ्री कन्वेंशन, जिनका गोल सेम ही है, हैजार्डस वेस्ट को हैजार्डस पोल्यूटेंट से डील करना इसका गोल है। ओके, नो यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर द केमिकल फॉर्मूलाज एंड ऑल, इतना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन। तो आप मुझे बताओ रामसर कन्वेंशन किस रिलेटेड है। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड है, इतना तो सबको पता ही होगा वेटलैंड से रिलेटेड है। और रामसर साइट्स होती हैं इंडिया में, 26 रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर, 26 रामसर साइट्स हैं। रामसर इज बेसिकली ए सिटी बेस्ड इन ईरान, तो वहाँ पर यह साइन किया गया था 1971 में। एवरी ईयर 2nd of February जो है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड एज ईच ईयर एज वर्ल्ड वेटलैंड डे 2nd of February, तो ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट टाइम इट वॉज सेलिब्रेटेड इन 1997, तो ये मत सोचना 1971 में फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट हुआ था, इट वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1997 एंड दो द कन्वेंशन एंटर्ड इन टू इफेक्ट इन 1971। लिस्ट इसके अंदर वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो 2306 रामसर साइट्स हैं, इतना आपको नहीं पूछेंगे। इंडिया में सबसे पहली रामसर साइट थी एक तो चिलिका लेक, जो कि 1981 में ऐड की गई थी, और एक केवलादेव नेशनल पार्क। सबसे पहले ये दो रामसर साइट्स ऐड की गई थी। केवलादेव नेशनल पार्क को पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जो कि अल्टीमेटली केवलादेव नेशनल पार्क है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी
अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है और क्यों न्यूज़ में थी? रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज़ ऑल्सो नोन एज कुलिक बर्ड सेंचुरी, इसको कुलिक बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, बोला जाता है, ये क्यों न्यूज़ में थी? एक तो इसका न्यूज़ में होने का मैं रीज़न बता दूँ कि ये सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और ये सिचुएटेड कहाँ पर है ये चीज़ मुझे बताओ, और यहाँ पर एक माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं तो वो भी अगर आप मुझे बता सकते हो तो। यस नाउ 27 रामसर साइट, रामसर साइट केवलादेव नेशनल, केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर है। वेस्ट बंगाल, यस ग्रेट, वेस्ट बंगाल के अंदर है ये, वेस्ट बंगाल के अंदर है। कुलिक बर्ड सेंचुरी भी इसको बोला जाता है और यहाँ पर एक बर्ड आता है, यहाँ पर एक बर्ड माइग्रेट करता है, क्या उस बर्ड का नाम बता सकते हो मुझे? कुलिक बर्ड सेंचुरी, इसमें अभी इन दोनों के बीच में ना ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी है कि रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर केवलादेव नेशनल पार्क विच वन इज़ द लार्जेस्ट। अभी तक तो केवलादेव नेशनल पार्क है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी साइबेरियन क्रेन जो है विजिट करती थी, अभी तो खैर उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है यहाँ पर, बट अभी इन दोनों के बीच में ये है कि ऐसा माना जाता है कि एशिया की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बट स्टिल इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड, अभी पूरी तरह से वो नहीं है। और वैसे अभी केवलादेव नेशनल पार्क है ये लार्जेस्ट एशिया के अंदर, केवलादेव, यस भरतपुर बर्ड सेंचुरी थी पहले, ये राजस्थान के अंदर है। अभी यहाँ पर 27 रामसर साइट्स हैं क्योंकि एक रामसर साइट अभी लेटेस्ट ऐड की गई है फरवरी के अंदर ही, सुंदरबंस, ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है, सुंदरबंस, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। सुंदरबंस बेसिकली क्यों फेमस है? क्योंकि मैंग्रोव्स वहाँ पर मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स। इसके अलावा जो नॉर्दर्न रिवर टेरापिन है, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, इसका लोकल नेम क्या है नॉर्दर्न रिवर टेरापिन का, और इसका IUCN स्टेटस क्या है? नॉर्दर्न रिवर टेरापिन भी यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर पाई जाती है, और बाकी और तो सुंदरबंस मैंग्रोव्स के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट डेल्टा, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, और सुंदरबंस एज द लार्जेस्ट मैंग्रोव्स इन इंडिया, इसके बाद भीतरकनिका मैंग्रोव्स है। तो लेट मी टेल यू सम ऑफ द फैक्ट्स रिलेटेड टू द रामसर साइट्स, थोड़े बहुत मैं फैक्ट्स बता देती हूँ आपको रामसर साइट्स से रिलेटेड। नो फ्लेमिंगो नहीं है, फ्लेमिंगोज एक तो यहाँ पर ये जो सर क्रीक्स एस्चुरी है यहाँ पर फ्लेमिंगोज आती हैं, इसके अलावा चिलिका लेक जो आपकी यहाँ पर फ्लेमिंगोज माइग्रेट करते हैं, फ्लेमिंगोज नहीं है, कुछ और नाम है, सोच के बताओ। वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में, वुलर लेक है, एक तो वुलर लेक है, एक डल लेक है, आपको बताया कि वुलर लेक कौन सी रिवर के पास है, कौन सी रिवर जाती है यहाँ से बताओ मुझे। होकेरा वेटलैंड है जम्मू कश्मीर में, सुरिंसर मानसर लेक है, सोम मोरीरी है ये भी जम्मू कश्मीर में है, चंद्रताल वेटलैंड जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका वेटलैंड ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा पोंग डैम लेक है, पोंग डैम लेक भी हिमाचल प्रदेश में है, कंजली वेटलैंड है जो कि इसके अंदर पंजाब के अंदर है, हरी के वेटलैंड पंजाब के अंदर है, रोपर वेटलैंड भी पंजाब के अंदर है, अपर गंगा रिवर जहाँ पर गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन मिलती है अपर बेसिन में, अपर गंगा रिवर जो अपर कोर्स है ये भी वेटलैंड है, रामसर साइट है, दीपोर बिल रामसर साइट है आसाम के अंदर है, लोकटक लेक वेरी इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, रुद्र सागर लेक त्रिपुरा के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट है, ईस्ट कैलकटा वेटलैंड्स वन ऑफ द यूनिक वेटलैंड्स ऑफ इंडिया तो ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर है, ये भी रामसर साइट है, भीतरकनिका मैंग्रोव्स फेमस है आपके मैंग्रोव्स के लिए फेमस है, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ओलिव रिडले टर्टल्स, यहाँ पर ब्राह्मणी बैतानिका डेल्टा आता है, भीतरकनिका मैंग्रोव जो नेशनल पार्क है ये सारे कोस्ट के ऊपर सिचुएटेड है, जो सिमली पाल है वो थोड़ा सा कोस्ट के अंदर है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा चिलिका लेक है, चिलिका लेक ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, और वैसे चिलिका लेक जो है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ये, और वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लगून है, फर्स्ट लार्जेस्ट लगून जो है वो न्यू कैलेडोनिया है, न्यू कैलेडोनिया के अंदर है, न्यू कैलेडोनियन लगून।
वैसे रिसेंटली यहाँ पर चिलिका लेक न्यूज़ में भी थी, क्योंकि यहाँ पर जो नालबना बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पर नालबना आइलैंड है, वो मॉनसून के टाइम पर डिसअपियर हो जाता है और पोस्ट मॉनसून वो रीअपियर होता है। तो वहाँ पर जो नालबना बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर एक बर्ड ऑब्जर्वेटरी सेटअप की जाएगी। कौन सेटअप करेगा? BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बता दो तो, BNHS के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताओ। ओपन बिल स्टोर, यस अनुराग हैज गिवन द राइट आंसर, ओपन बिल, हाँ ग्रेट, झेलम इज द राइट आंसर, सही है। ओके, तो नालबना यहाँ पर एक नालबना बर्ड ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर सेटअप की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ये एशिया की फर्स्ट बर्ड ऑब्जर्वेटरी होगी। इंडिया की BNHS सेटअप करेगा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो और इसके अलावा कोलेरू लेक है, कोलेरू लेक जो है यहाँ पर गोदावरी कृष्णा का बेसिन है, उसके बीच में लोकेटेड है कोलेरू लेक। और पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी है, ये क्यों फेमस है? यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। वैपनाथ कोल वेटलैंड है, सस्तम कोटा लेक है, ये केरला के अंदर है तीनों। अष्टामुदी लेक है, ये भी वेटलैंड है, ये केरला के अंदर है। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात के अंदर है। और इसके अलावा यहाँ पर केवलादेव नेशनल पार्क, जो पहले ऐड किया गया था, सबसे पहले केवलादेव और चिलिका लेक को ऐड किया गया था। इसके अलावा सांबर लेक है, जो कि लार्जेस्ट सलाइन लेक है, इंडिया की लार्जेस्ट सलाइन लेक है। ओके, तो ये सारी जो है रामसर साइट्स हैं इंडिया की। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी कहाँ पर है, और बाकी इनके अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ मिलती है, कोई स्पीसीज मिलता है, तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं कौन सी स्पीसीज मिलती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में याद रखना। और बाकी जो 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको वैसे बता दिए हैं यहाँ पर। यस, इट इज़ एन NGO फर्स्ट ऑफ ऑल, यही मैं जानना चाहती थी। NGO है ये, पहली बात तो NGO है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। यस, चंद्रा एंड बाघा कहाँ से? चंद्रताल, यार ज्योग्राफी में इतना सिंपल क्वेश्चन है, चंद्रा और बाघा मिलाकर। ओके, और इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट एडिड है वो आपके सुंदरबंस हैं, सुंदरबंस वेटलैंड लेटेस्ट एडिड है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। टोटल और ओवरऑल जो है कंट्री जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स है वो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम जो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताओ कि इंडिया में हाईएस्ट डेंसिटी टाइगर्स के कहाँ हैं? इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पर मिलते हैं और डेंसिटी हाईएस्ट कहाँ पर है? एक तो मुझे ये बताओ डेंसिटी हाईएस्ट कौन सी जगह पर है, और एक मुझे बताओ T-Cross 2 प्रोग्राम जो है वो कौन चला रहा है, और इसमें मतलब क्या प्रोविज़न है इसका, मतलब क्या टारगेट है इसका T-Cross 2 प्रोग्राम का। और जो CATS है उसके अंदर अभी रिसेंटली पता चला है कि एक जो कंट्री है जो कि सारे स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करता है, तो उस कंट्री का नाम बताओ मुझे। मुझे डेंसिटी हाईएस्ट कहाँ पर है, स्टेट का नाम नहीं पूछा मैंने आपसे, मैंने आपसे टाइगर रिजर्व का नाम पूछा है, वो टाइगर रिजर्व कौन सा है? देखो कर्नाटका है हाईएस्ट टाइगर, हाँ वो ठीक है, टाइगर डेंसिटी पूछा है मैंने यहाँ पर। आगे आता है मोन्ट्रुक्स रिकॉर्ड, मोन्ट्रुक्स रिकॉर्ड हम कई बार ही पढ़ चुके हैं, इसमें वो सारी वेटलैंड आती है जिनमें इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो चुके होते हैं, या फिर हो रहे होते हैं, या फिर होने वाले होते हैं, मतलब जो थोड़ी सी फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है और जहाँ पर वल्नरेबल सा इकोसिस्टम होता है कि धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं किसी भी रिजल्ट से। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, नॉर्मल पॉल्यूशन की वजह से, या फिर अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, उन सबको डाल दिया जाता है मोन्ट्रुक्स रिकॉर्ड में, मोन्ट्रुक्स रिकॉर्ड में उनको डाला जाता है। इकोलॉजिकल कोर कैरेक्टर अगर चेंज हो रहे होते हैं तो ये एक वॉलंट्री मैकेनिज्म है। इसके बाद उसके कंजर्वेशन के एफर्ट्स भी लिए जाते हैं। करंटली देर आर टू, देखो बांदीपुर के अंदर टाइगर्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और वैसे जो डेंसिटी है वो ओरांग टाइगर रिजर्व की है, ओरांग टाइगर रिजर्व, ओरांग आसाम में, मनु यादव, यस ओरांग में डेंसिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि ओरांग छोटा नेशनल पार्क, वैसे टाइगर नंबर ऑफ टाइगर्स वहाँ पर कम है, बट एरिया वाइज देखें तो डेंसिटी सबसे ज्यादा वहीं पर है, ओरांग टाइगर रिजर्व। आगे आता है नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम NWCP।
IMWCP ये खुद का है, 1985-86 में ये स्टार्ट किया गया था नेशनल गवर्नमेंट ने विद द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स। एम इसका है वेटलैंड्स को कंजर्व करना। सिंस ये हमारा है तो इसके अंदर बहुत सारी वेटलैंड साइट्स इसके अंदर कवर्ड है, तो आपको सबके नाम नहीं पढ़ने हैं, तो यू कैन लीव दिस, जस्ट रिमेंबर NWCPI ये वेटलैंड कंजर्वेशन का नेशनल प्रोग्राम चल रहा है। ओके आगे आती है साइट्स कन्वेंशन। साइट्स कन्वेंशन इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोला जाता है, वॉशिंगटन कन्वेंशन। इसके फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसमें जो भी जो स्पीसीज ट्रेड की वजह से थ्रेटन्ड है, जैसे कि एलिफेंट हो गया, एलिफेंट की आइवरी का ट्रेड होता है, और जो स्पीसीज है जो जिसका जिसके ट्रेड होता है किसी भी एक पर्टिकुलर उसके लाइक स्पेसिमेन का ट्रेड हो सकता है, या फिर उनका अगर ट्रेड की वजह से पेट ट्रेड की वजह से वो थ्रेटन्ड है, मतलब एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, सिर्फ और सिर्फ मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रेड की वजह से, बट ट्रेड एक रीज़न है अगर, तो उसको साइट्स में डाल दिया जाता है, साइट्स के अंदर डाल दिया जाता है। नॉट ओनली द स्पीसीज बट ऑल्सो द प्लांट स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ और प्लांट स्पीसीज दोनों को वॉशिंगटन कन्वेंशन इसका नाम दिया जाता है। मल्टीलेटरल ट्रीटी है, प्रोटेक्ट करती है जो थ्रेटन्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंडेंजर्ड जो कैटेगरी में है, एंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। थ्रेटन्ड कोई एक स्पीसीज होगा तो वो वल्नरेबल में भी थ्रेटन्ड माना जाएगा, तो आपको पूछे तो थ्रेटन्ड कौन कौन से हैं, तो या तो उसको वल्नरेबल कैटेगरी में हो, या फिर वो एंडेंजर्ड में हो, या फिर वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में हो। टी क्रॉस टू WWF यस, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का है, डबल पॉपुलेशन करनी है 2022 तक। हाँ सही आंसर है। रिसेंटली नेपाल हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कंप्लाई विद CATS। CATS क्या है? कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ये इसी के अंदर ही है, टी क्रॉस टू प्रोग्राम के अंदर ही है। इसमें क्या होता है, टाइगर साइट्स को मॉनिटर किया जाता है, जो टाइगर रिजर्व्स होती हैं, टाइगर साइट्स होती हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है कंसिस्टेंटली कि वेदर दे आर कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और नॉट, उसमें किया जाता है। इज इट क्लियर? नियर थ्रेटन तो उसमें नहीं आते, नियर थ्रेटन इट एंटर्ड इन टू फोर्स ऑन 1975 में ये एंटर हुई थी। इसका मेन पर्पज़ है ट्रेड को बैन करना, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के ट्रेड को बैन करना, अगर वो थ्रेटन कर रही है तो। पार्टिसिपेशन बाइंडिंग नहीं है, वॉलंट्री है, वॉलंट्री बाइंडिंग, वॉलंट्री है, बाइंडिंग नहीं है। बट द कंट्रीज दैट हैव अग्रीड टू बी बाउंड बाई द कन्वेंशन आर नोन एज पार्टीज, वैसे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, वॉलंट्री है, ठीक है। साइट जो होती है लेकिन पार्टी का मेंबर के ऊपर बाइंडिंग है, ये लीगली बाइंडिंग है, जो पार्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने इसको जो एग्री किया हुआ है तो उसके ऊपर ये लीगली बाइंडिंग है। इज दैट क्लियर? इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज, मतलब कई सारे अपने खुद के लॉज भी तो होते हैं जो हम वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए बनाते हैं, डेजिग्नेट करते हैं, तो उसके प्रोविजंस के साथ ये मैच नहीं करता है। लेकिन हमारा जो WPA एक्ट है 1972, इट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द साइट्स प्रोविजन, इसमें सारे साइट्स के प्रोविजंस जो है कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। रादर इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क रिस्पेक्टेड बाय ईच एंड एवरी पार्टी, मस्ट अडॉप्ट देयर ओन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन टू इम्प्लीमेंट साइट्स एट द नेशनल लेवल। तो जैसे इंडिया में WPA को इम्प्लीमेंट किया गया है तो साइट्स के प्रोविजंस के साथ वो कंप्लाई करता है। यस इट कंटेन्स थ्री कंट्रीज, थ्री कैटेगरीज होती है, क्या आप मुझे बता सकते हो तीनों कैटेगरीज में कौन कौन से स्पीसीज कवर्ड होते हैं, अपेंडिक्स 1, 2, 3 उनमें कौन कौन से स्पीसीज कवर होते हैं? ये तीन अपेंडिक्स इसके अंदर होते हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अनसस्टेनेबल ट्रेड को ये वो करती है, रूल आउट वो करती है, एलिमिनेट करने की कोशिश करती है। स्पीसीज थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, प्लस इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, जैसे कि ट्रेड रिस्ट्रिक्ट कर देना। अपेंडिक्स 2 के अंदर ये जो स्पीसीज आते हैं वो एक्सटिंक्शन तो एक्सटिंक्ट तो नहीं होते हैं, बट वो नियरली एक्सटिंक्ट मतलब नियर फ्यूचर में हो सकता है एक्सटिंक्ट हो जाए। स्पीसीज दैट रिजेंबल अदर लिस्टेड स्पीसीज एंड नीड टू बी रेगुलेटेड, मतलब उनको रेगुलेट करना भी जरूरी है, उनका जो ट्रेड है वो रेगुलेट करना जरूरी है। अपेंडिक्स 3 में क्या होता है, कोई भी कंट्री एक स्पीसीज के लिए बोल सकती है कि इसका जो ट्रेड है वो कंट्रोल करना पड़ेगा या फिर वो बैन करना पड़ेगा। स्पीसीज फॉर विच ए रेंज कंट्री, रेंज कंट्री का मतलब होता है जहाँ पर वो स्पीसीज पाया जाता है, रेंज कंट्रीज वही होती ना, जैसे टाइगर्स हैं, टाइगर्स की 13 रेंज कंट्रीज हैं, 13 रेंज कंट्रीज,
ठीक है, इसमें आप मुझे बताओ कि जो 13 रेंज कंट्रीज हैं उनमें आपका पाकिस्तान कवर्ड है, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब कवर्ड है, कौन कौन सी कंट्रीज उसके अंदर मेनली है। रेंज कंट्री हैज आस्क्ड अदर पार्टीज टू हेल्प इन कंट्रोलिंग इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, तो ये तीन अपेंडिक्स में इसको कवर किया जाता है। कितने स्पीसीज आते हैं वो आपको याद रखना जरूरी नहीं है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि इसका मेन पर्पज़ क्या होता है अपेंडिक्स को ऐसे डेजिग्नेट करने का। अपेंडिक्स वन के स्पीसीज आप पर्टिकुलरली याद रख सकते हो, जैसे कि रेड पांडा है। इंडिया में रेड पांडा कहाँ पर मिलता है आप मुझे बताओ। टाइगर्स, सबसे ज़्यादा टाइगर्स मतलब पेंथेरा टिग्रिस जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पर सारी टाइगर्स की स्पीसीज मिलती हैं। एशियाटिक लायन है और लेपर्ड्स है, जैगवार है, चीता है। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया में ये सारी स्पीसीज मिलती हैं, मतलब पेंथेरा टिग्रिस और एशियाटिक लायन भी मिलता है, लेपर्ड्स भी मिलते हैं, स्नो लेपर्ड्स भी मिलते हैं, जैगवार भी मिलता है, चीता भी मिलता है। रिसेंटली एक चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी चल रहा है, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, वो कहाँ पर चल रहा है अगर आप बता दो तो। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्रोग्राम अभी प्लान हो रहा है। इसके अलावा एशियन एलिफेंट है, जितनी भी राइनोसिरोस की स्पीसीज है वो इसमें कवर्ड है, और डुगोंग इसमें कवर्ड है। डुगोंग का स्टेटस क्या है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ डुगोंग इन आईयूसीएन, स्टेटस क्या है डुगोंग का, क्योंकि डुगोंग इंडिया में पाई जाती है, डुगोंग का आईयूसीएन स्टेटस क्या है। रेड पांडा सिक्किम ग्रेट, रेड पांडा सिक्किम, इंडिया नेपाल है, पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है, यस पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है, इंडिया नेपाल है, और आपके जो साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस हैं जो आपके म्यांमार है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओ पीडीआर है, और इसके अलावा आपके जो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वो भी सारे इसके अंदर आते हैं रेंज कंट्रीज़ में, 13 रेंज कंट्रीज़ में, तो वो भी आपको याद रखना। स्नो लेपर्ड जम्मू एंड, स्नो लेपर्ड बेसिकली हिमालयाज में पाया जाता है, ईस्टर्न हिमालयाज में, और यस आसाम महाराष्ट्र एंड एंडेंजर। डुगोंग का स्टेटस बताओ मुझे, एंडेंजर्ड है या फिर वल्नरेबल है डुगोंग। यस ग्रेट आर्यना, एमपी में चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम, हाँ एमपी ने स्टार्ट करने की कोशिश की है, और पहले जो वाइट टाइगर सेंचुरी है वो कहाँ पर हुई थी, वो भी एमपी के अंदर ही है, फर्स्ट वाइट टाइगर सेंचुरी एमपी के अंदर वो की गई थी। और वाइट टाइगर स्टेट एनिमल है क्या एमपी का। डुगोंग का आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, वल्नरेबल है, इट इज नॉट इन एंडेंजर्ड कैटेगरी, वल्नरेबल कैटेगरी में है डुगोंग जो है, वो वल्नरेबल कैटेगरी में है, डुगोंग वल्नरेबल में है। ओलिव रिडले टर्टल भी वल्नरेबल कैटेगरी में ही है, सेम वल्नरेबल में है। स्नो लेपर्ड जो है वो भी वल्नरेबल के अंदर है, वो भी वल्नरेबल में है। आपके जो ये जैसे वल्चर्स हो गए, ये टाइगर्स हो गए, ये एंडेंजर्ड है, ये एंडेंजर्ड है, लेकिन ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। Vulnerable में, it is not endangered. यस रेवा के अंदर स्टार्ट की गई थी। देखो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और एक्सटिंक्ट में डिफरेंस ये होता है, जो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड जो होती है वो एक्सटिंक्शन के पहली स्टेज होती है, एक तो पहली बात तो पहली स्टेज होती है। इसका मतलब क्या है कि उसकी सिग्निफिकेंट नॉट सिग्निफिकेंट कुछ मेंबर्स उस पर्टिकुलर स्पीसीज के कुछ इंडिविजुअल्स बचे हुए हैं, बट नॉट इन द हैबिटेट, जो उसका हैबिटेट है वहाँ पर नहीं है, या तो उसको कैप्टिवेट किया हुआ, जैसे कैप्टिव ब्रीडिंग करवाई जाती है, कैप्टिवेट किया जाता है एनिमल्स को, सो दैट उनकी जो पॉपुलेशन रिमेनिंग है उसको स्टेबल रखा जाए, मतलब जैसी है वैसी। और जैसे कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स तो कई सारे स्पीसीज के लिए चलाए जाते हैं, वल्चर्स के लिए चलाए जाते हैं, और वल्चर्स के लिए सेव प्रोग्राम भी है वैसे। और तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब होता है जो किसी और साइट के ऊपर आउट ऑफ द हैबिटेट उस पर्टिकुलर स्पीसीज के एक दो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स बचे हुए हैं, कुछ इंडिविजुअल्स बचे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड।
बारासिंगा इज द स्टेट, यस बारासिंगा इज द स्टेट एनिमल ऑफ एमपी, फर्स्ट मैस्कोट भी उसको दिया गया था, फर्स्ट मैस्कोट भी दिया गया था. हाँ एक्स सितु, ग्रेट. हाँ हेमंत, एक्सटिंक्ट इन एक्स सितु, कि उसको अपनी उसकी खुद के हैबिटेट के अंदर हैबिटेट लॉस की वजह से वो अपने हैबिटेट में नहीं पाया जा रहा है, बट वो और कहीं पर वो है, मतलब प्रेजेंट है. अपेंडिक्स टू के अंदर भी कई सारे स्पीसीज हैं, 21,000 के अराउंड स्पीसीज हैं, क्योंकि अपेंडिक्स टू में वो वाले स्पीसीज आते हैं जो एक्सटिंक्ट नहीं होते हैं बट थ्रेटन्ड होते हैं, एंडेंजर्ड होते हैं, थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन होते हैं, ठीक है, बट मे बिकम सो अनलेस ट्रेड इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशन. कि ट्रेड एक मेजर थ्रेट तो होता है बट अभी तक वो सिचुएशन नहीं आई है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए स्पीसीज. इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है इसके अंदर मतलब रेगुलेटेड होता है, पूरी तरह से प्रोहिबिटेड नहीं होता है, प्रोहिबिटेड नहीं होता है. रेगुलेटेड कैसे होता है कि परमिट लेना पड़ता है, मतलब परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है. इसके अलावा नो इम्पोर्ट परमिट इज नेसेसरी, इम्पोर्ट परमिट इसके लिए नेसेसरी नहीं होता है फॉर दिस स्पीसीज अंडर साइट्स. तो ये भी आपके लिए आपसे पूछ सकते हैं. एनुअली ये ट्रेड किया जाता है, मतलब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ परमिशन उसके लिए लेनी पड़ती है, तो रेगुलेटेड होता है. बट जो अपेंडिक्स वन में आती है उसमें ट्रेड कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होता है, बिकॉज वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट स्पीसीज होती है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज होती हैं वो. ओके, जैसे अपेंडिक्स टू में कौन से हैं, ग्रेट व्हाइट शार्क है, और इसके अलावा ये सब इंडिया में नहीं मिलता तो आप इसको छोड़ सकते हो. आगे आता है अपेंडिक्स थ्री. अपेंडिक्स थ्री में वो सारे स्पीसीज आते हैं जिसमें कोई एक मेंबर कंट्री खुद से प्रपोज करता है कि ये स्पीसीज है इसका ट्रेड बैन होना चाहिए या रेगुलेट होना चाहिए. इज इट क्लियर? तो उसमें असिस्टेंस लेता है फॉर कंट्रोलिंग द ट्रेड इन ए स्पीसीज. अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो ग्लोबली थ्रेटन्ड हो सकता है कि मतलब वो स्पीसीज वहीं का एंडेमिक हो, तो जरूरी नहीं है कि ग्लोबली वो थ्रेटन्ड हो एक्सटिंक्शन से. ट्रेड इन दिस स्पीसीज इज ओनली परमिटेड विद एन अप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट परमिट एंड ए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजन फ्रॉम द स्टेट ऑफ द मेंबर कंट्री हु हैज लिस्टेड द स्पीसीज. तो उसमें मेंबर कंट्री की परमिशन लेनी पड़ती है उसका ट्रेड करते टाइम. तो ट्रेड इसमें भी रेगुलेटेड होता है, बैन नहीं होता है. तो अपेंडिक्स टू और थ्री में ट्रेड बैन नहीं होता है. जैसे अफ्रीकन सिवेट है, और इंडिया में जो मालाबार सिवेट मिलती है उसका IUCN स्टेटस क्या है, मालाबार सिवेट का. व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ मालाबार सिवेट? आगे आपका आता है ट्रैफिक प्रोग्राम. ट्रैफिक प्रोग्राम क्या है? वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, और इज द लाइक लीडिंग NGO है. पहली बात तो इन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मेनली क्या करती है, ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स को वो करती है, मतलब उसके ऊपर काम करती है. इट वॉज फाउंडेड इन 1976. किस किसने फाइंड किया था ये? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर प्लस आई यू सी एन, इन दोनों के एफर्ट से ये एक अलायंस जो है ट्रैफिक, ये फॉर्म किया गया था. ऑर्गेनाइजेशन का एम ये है कि ट्रेड लिमिट में रखना, ताकि वो जो ट्रेड है उसकी वजह से कोई एक प्लांट स्पीसीज, कोई एक एनिमल स्पीसीज थ्रेटन ना हो, ठीक है, वो थ्रेटन ना हो. ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर. ओके, तो इसमें आप मुझे एक चीज़ बताओ कि इसमें जो रीसे एक प्लांट है तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है, क्या नाम है उसका, उसका नाम वो 12 साल में ब्लूसम करता है, तो वो प्लांट जो है उसका नाम क्या है, वो कौन सी कैटेगरी में है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड मालाबार सिवेट और कहां पर पाई जाती है? यस, नील कुरुंजी, ग्रेट. हाँ, नील कुरुंजी प्लांट है ये, 12 साल में और इसके इसे एसोसिएटेड ट्राइब का नाम बताओ मुझे, कौन सी ट्राइब है, इसे एसोसिएटेड एक ट्राइब भी है, उसका क्या नाम है? रिसेंटली रोजवुड एडेड इन दिस अपेंडिक्स. रोजवुड अपेंडिक्स टू में ऐड की गई थी, रोजवुड को अपेंडिक्स टू में ऐड किया गया था, और साइट्स के अंदर अपेंडिक्स टू में ऐड किया गया था, जिसमें एक्सटिंक्शन से तो थ्रेटन नहीं है बट इसका ट्रेड रेगुलेट हो जाएगा, ट्रेड रेगुलेट हो जाएगा. नील कुरिंजी, ग्रेट. टोडा ट्राइब नहीं है.
तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ बताओ, बाकी यहाँ पर क्या होता है कि एनालिसिस, रिसर्च, गाइडेंस और इन्फ्लुएंस से ये क्या करता है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड सस्टेनेबल होना चाहिए, ये कंट्रोल नहीं करता है, सिर्फ सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को प्रमोट करता है कि इतना सस्टेनेबल रहे कि ऐसे ना हो कि वो जो पर्टिकुलर स्पीसीज है वो थ्रेटन हो जाए एक्सटिंक्शन से, तो उसके लिए काम करता है ट्रैफिक, ठीक है। तो इसमें कई सारे प्रोविजंस होते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ लोकेटेड इन यूनाइटेड किंगडम, कई सारे प्रोजेक्ट्स, रिसर्चर्स और रिसर्च वगैरह करते हैं, एजुकेशन एंड मतलब वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रेगुलेट करता है बेसिकली ट्रैफिक, वाइल्ड लाइफ ट्रेड को। आगे आता है बॉर्न कन्वेंशन। बॉर्न कन्वेंशन आप मुझे बताओ, बॉर्न कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? बॉर्न कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज से रिलेटेड है, जो स्पीसीज माइग्रेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर माइग्रेटरी स्पीसीज से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, फ्लाईवे। फ्लाईवे क्या होता है? फ्लाईवे क्या होता है? किसी भी स्पीसीज का फ्लाईवे क्या होता है? द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मोर कॉमनली इट इज ऑल्सो नोन एज द CMS, इसको CMS भी बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, और बॉर्न कन्वेंशन भी इसको बोला जाता है। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस है, मेन काम क्या है इसका? वाइल्ड लाइफ जो माइग्रेटरी स्पीसीज है उनको प्रिजर्व करना, मतलब उनको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना। टेरेस्ट्रियल माइग्रेटरी स्पीसीज, मरीन बर्ड स्पीसीज थ्रू आउट देयर रेंज, उसकी जो रेंज होती है वहाँ तक प्रोटेक्ट करना। पलियान ट्राइब इज द राइट आंसर, आ रही ना इसके अंदर राइट आंसर, पलियान ट्राइब होता। यहाँ पर CMS के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, बॉर्न कन्वेंशन। फ्लाईवे क्या होता है आप मुझे ये बताओ, फ्लाईवे क्या होता है? इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी और ये यूनाइटेड UNEP के अंदर कंक्लूडेड है, जो आपका एमिशन गैप रिपोर्ट भी वो करता है, पब्लिश करता है। कन्वेंशन वॉज साइंड इन 1979 एंड इट एंटर्ड इन टू फोर्स इन 1983। ये सबसे पहली ऐसी स्पीसीज है, मतलब सॉरी सबसे अकेली ऐसी कन्वेंशन है जो कि माइग्रेटरी स्पीसीज के साथ डील करती है। इट डील्स विद द माइग्रेटरी स्पीसीज एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ माइग्रेटरी स्पीसीज के साथ डील करती है। अब कई सारे होते हैं माइग्रेटरी स्पीसीज, जैडन्स कर्सर है और इसके अलावा साइबेरियन क्रेन है। साइबेरियन क्रेन की जो जर्नी होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, मतलब सारी जो क्रेन्स होती है उसमें से लॉन्गेस्ट जर्नी साइबेरियन क्रेन की होती है। रेंज का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पर वो जाते हैं, कहाँ ब्रीडिंग के लिए वो कहाँ जाते हैं, इसके अलावा फूड एंड ऑल के लिए कहाँ जाते हैं, नॉर्मल पीरियड में कहाँ रहते हैं, तो वो रेंज होती है। एरिया कवर्ड बाई माइग्रेटरी बर्ड्स, यस फॉर डिफरेंट पर्पजेज, अगर एरिया ये जो एरिया कवर्ड होता है, यस फ्लाईवे वेस्ट स्टेशन, फ्लाईवे ईस्ट स्टेशन, यस ग्रेट, हाँ तो यही होता है फ्लाईवे। CMS क्या करती है? कवर्स एट ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, मैमल्स, बर्ड्स, मरीन मैमल्स और मरीन स्पीसीज सारे इसके अंदर कवर्ड होते हैं, फिशेज, रेप्टाइल्स। इसके भी अपनी एक सर्टेन लिस्टिंग होती है, अपेंडिक्स 1 के अंदर जो स्पीसीज होते हैं वो थ्रेटन्ड माइग्रेटरी स्पीसीज होते हैं, थ्रेटन्ड माइग्रेटरी स्पीसीज, इसका मतलब जो माइग्रेटरी स्पीसीज एक्सटिंक्शन के लिए थ्रेटन्ड है उनको अपेंडिक्स 1 में डाला जाता है, और थोड़ी सी इसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन होती है, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होते हैं। ओके, CMS पार्टीज स्ट्राइव टुवर्ड्स स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टिंग दिस एनिमल्स, कंजर्विंग और रीस्टोरिंग द प्लेसेस वेयर दे लिव, जहाँ पर वो रहते हैं, जो एरिया वो कवर करते हैं, जो उनका फ्लाईवे होता है उसको कंजर्व करना, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। अपेंडिक्स 2 में वो होती है जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, स्पीसीज दैट नीड और वुड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उनको हम बोलते हैं अपेंडिक्स 2 के स्पीसीज। ये स्पीसीज या तो इंडिविजुअली होते हैं या फिर टैक्सोनॉमिक ग्रुप, मतलब उनके जेनेटिकली वो आइडेंटिफाइड होते हैं, आर द बेसिस फॉर एस्टेब्लिशिंग इंस्ट्रूमेंट्स रीजनल और ग्लोबल, इसके अंदर वो कई सारी कंजर्वेशन एफर्ट्स इसमें लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपेंडिक्स 2 स्पीसीज होते हैं। आगे आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है ये लीगली बाइंडिंग है, मतलब इसके अंदर लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स भी हैं और वैसे वॉलंट्री भी है, मतलब थोड़ा बहुत लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज भी हैं और वैसे थोड़ी वॉलंट्री भी है, लेस फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसके अंदर है, जैसे MOUs वगैरह, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से, पर्टिकुलर स्पीसीज के हिसाब से डिसाइड होते हैं कितने स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन की जरूरत है उस हिसाब से, ठीक है। UNEP NGO पार्टनर्स फॉर फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, हाँ। आगे आता है दे एम टू प्रिजर्व पॉपुलेशन ऑफ यूरोपियन बैट्स, इसके अलावा कई सारे और स्पीसीज होते हैं, और ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी के स्पीसीज जो होते हैं, ब्लैक सी कॉन्टिग्यूस जो एट अटलांटिक एरिया होते हैं वहाँ पर, और बाकी
इसके अलावा ज़्यादा ये इतना नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से इसके अंदर कवर्ड है। गोरिला एग्रीमेंट भी इसके अंदर लिया गया जो कि लीगली बाइंडिंग है, गोरिलाज और उसके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली है। आगे आता है, ये तो थे बोन कन्वेंशन, एक आता है बोन एग्रीमेंट। क्या है बोन एग्रीमेंट? तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बोन अग्रीमेंट इट इज़ नॉट बोन कन्वेंशन, तो ये गलत मत कर देना। 1969 में ये एग्रीमेंट लिया गया था। इस एग्रीमेंट का पर्पस किसी स्पीसीज से एसोसिएटेड नहीं है। ये बेसिकली क्या करता है कि एक तो ये कोस्टल स्टेट्स ने लिया था, ये पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए है, टू कम्बैट पोल्यूशन, पोल्यूशन कम्बैट करने के लिए है, जो मरीन पोल्यूशन होता है, जो कोस्टल स्टेट्स में पोल्यूशन होता है। एग्जीक्यूट सर्वाइलेंस एज एन एड टू डिटेक्टिंग एंड कम्बैटिंग पोल्यूशन एंड टू प्रिवेंट वायोलेशन ऑफ एंटी पोल्यूशन रेगुलेशंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इससे रिलेटेड, ये पोल्यूशन से रिलेटेड। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं बेसिकली नॉर्थ सी के जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो इसके मेंबर कंट्रीज हैं अलॉन्ग विद द यूरोपियन यूनियन। बोन अग्रीमेंट, ठीक है, बोन अग्रीमेंट ये 1969 में ये लिया गया था। ठीक है, बोन अग्रीमेंट उसके बाद 2001 में इसकी इनिशियल सीरीज ऑफ अग्रीमेंट्स पास की गई थी, 1969 में अडॉप्ट कर लिया था। तो जस्ट आपको ये याद रखना कि बोन कन्वेंशन और अग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, बिकॉज इंडिया इज़ नॉट एसोसिएटेड विद इट, तो इस ये आपसे नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना, बोन अग्रीमेंट क्या है, बोन अग्रीमेंट क्या है और बोन कन्वेंशन क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको याद रखना है। आगे आता है CNS, दैट इज कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी, कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी 1994 से ये कन्वेंशन साइन की गई थी 1994 में। ये मेनली क्या करती है कि कई सारे सेफ्टी रूल्स रिलीज करती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए, और सर्टेन लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, सर्टेन सेफ्टी रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं जो उनको मानने पड़ते हैं, कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे किसी भी फायर एक्सीडेंट, कोई भी ऐसे और पोल्यूटेंट्स भी वहाँ से रिलीज होते हैं, तो सेफ्टी, न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर, आप मुझे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बताओ, इसके बारे में फ्यू पॉइंट्स आपको याद हो तो। कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था वियना के अंदर और इट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर इन 1994 एंड करंटली देर आर 78 स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन। आगे आती है वेरी इंपॉर्टेंट मीना माता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। ये किसके साथ डील करते हैं? मीना माता जापान के अंदर है, तो वहाँ पर ये कन्वेंशन साइन की गई थी। इंटरनेशनल ट्रीटी है, मेनली जो मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के कंपाउंड्स होते हैं, हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं, वो जब रिलीज हो जाते हैं तो उससे जो पोल्यूशन होता है, कंटामिनेशन होता है, उसके साथ ये डील करती है। ठीक है, जो एमिशन होता है मर्क्यूरी बेसिकली कहाँ से रिलीज होती है, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से मर्क्यूरी के कई सारे कंपाउंड, जैसे कि नॉट रिसेंटली जब यह मीना माता कन्वेंशन लिया गया था उस टाइम पर मिथाइल मर्क्यूरी से कंटामिनेटेड हो गया था वाटर, मिथाइल मर्क्यूरी। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग थे जब फिशेज़ को कंज्यूम किया, क्योंकि ये फिशेज़ में एक्यूमुलेट हो गया था, बायो एक्यूमुलेशन हो गया था फिशेज़ के अंदर, और फिर बायो मैग्निफिकेशन हुआ, फूड वेब में वो एंटर कर गया, तो उसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे उनके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए थे कई सारे। तो ये मीना माता कन्वेंशन उसके बाद, उसी इंसिडेंट के बाद लिया गया था, मीना माता कन्वेंशन और मर्क्यूरी। ये बेसिकली क्या करता है, मर्क्यूरी और मर्क्यूरी कंपाउंड्स के रिलीज को वो करता है, रिलीज से प्रोटेक्ट करता है, एमिशन से प्रोटेक्ट करता है। यस, इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ IAEA, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। इंडिया जो है एसोसिएट मेंबर है। कन्वेंशन वॉज अग्री डेट, इतना ये आप ये याद रखना कि मिथाइल मर्क्यूरी से एसोसिएटेड है, मीना माता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी जो है वो मिथाइल मर्क्यूरी से एसोसिएटेड है। मर्क्यूरी वैसे नेचुरली भी होता है, मैन मेड कंटामिनेंट भी होता है, मैन मेड जो इंडस्ट्रीज वगैरह से रिलीज होता है। मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से कई सारे डिजीज हो सकती हैं, और जैसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। ईजिली ये कंटामिनेट कर देती है फिशेस को, सी फूड को एंड वाइल्ड लाइफ को, जब अगर एक्सपोज होती हैं तो मर्क्यूरी रिलेटेड मर्क्यूरी की टॉक्सिसिटी से। नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है एडल्ट्स में, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट इन्फेंट्स के अंदर इम्पेयर हो जाता है, मतलब न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो मर्क्यूरी आपको बायो मैग्निफिकेशन तो पता ही होगा कैसे होता है, बायो मैग्निफिकेशन कौन कौन से पोल्यूटेंट करते हैं, इतना तो आपने पढ़ा होगा, बेसिक, दीज आर जस्ट द बेसिक्स, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है।
एक मुझे वो बताओ, क्या कहते हैं, एक डिजीज होती है, कौन सी होती है? अच्छा अभी याद नहीं आ रहा, अभी हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे बाकी हम चीज़ें. मर्क्यूरी पॉल्यूशन और हार्मफुल इम्पैक्ट्स, ये आपको पता है ऑलरेडी. कहाँ से रिलीज होता है ये? जो पावर प्लांट्स में कोल बर्निंग होती है, अगर इनकम्प्लीट कम्बंशन हो तो उसमें रिलीज हो सकता है. जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसमें रिलीज होता है. और बैटरीज वगैरह जो ऐसे ई वेस्ट डिस्पोज कर दिया जाता है, आउट डिस्पोज होता है, तो उसमें उसे ये मर्क्यूरी रिलीज होता है. और थर्मोमीटर बैरोमीटर्स ज़्यादातर जो ये मेडिसिन उसमें मेडिकल स्टोर्स वगैरह का जो वेस्ट होता है, मेडिकल वेस्ट होता है, उसके अंदर से मर्क्यूरी रिलीज होता है. कई सारे मिनरल्स जो एक्सट्रा उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फॉर इंस्टांस लेट से गोल्ड, इलेक्ट्रिक स्विचेज एंड रिलेज इन इक्विपमेंट लैम्प्स वगैरह से मर्क्यूरी पॉल्यूशन जो है वो रिलीज हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया क्या हार्मफुल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, मर्क्यूरी ये तो मर्क्यूरी जो है ओनली मेटेलिक एलिमेंट है, दैट इज लिक्विड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर, लिक्विड होता है, ठीक है. एक मर्क्यूरी क्लब है जो कि एस्टेब्लिश किया गया टू सपोर्ट द नेगोशिएटिंग प्रोसेस फॉर द लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन मर्क्यूरी. लीगली बाइंडिंग जो भी इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स लिए जाते हैं, तो वो एक नेगोशिएटिंग प्रोसेस मर्क्यूरी क्लब है, ठीक है. तो इसमें कई सारे मेंबर कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें किया जाता है कैश के थ्रू या फिर, तो वो डिफर करता है, मतलब पार्टी टू पार्टी, मेंबर टू मेंबर, वो डिफर करता है. इंडिया ने कन्वेंशन को साइन किया हुआ है, 2014 में ही इंडिया ने कन्वेंशन को साइन कर दिया था. यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड प्रपोजल फॉर रेटिफिकेशन ऑफ मीना माता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, ओके, एंड डिपॉजिटिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रेटिफिकेशन. तो साइन 2014 में कर दिया था. अप्रूवल एंटेल्स रेटिफिकेशन ऑफ कन्वेंशन अलॉन्ग विथ फ्लेक्सिबिलिटी, कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लेकिन ली है कि मर्क्यूरी बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं टिल 2025, उसके बाद कंप्लीटली बैन होगा. आगे इंटरनेशनल वेलिंग कन्वेंशन से रिलेटेड है. आप मुझे बताना ये कमेंट सेक्शन में, क्या इंडिया इसका मेंबर है? कन्वेंशन है ये, एक तो इंटरनेशनल वेलिंग कन्वेंशन है, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन भी है, तो इंडिया इनके मेंबर्स हैं क्या दोनों के? तो आप मुझे बताना. वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. प्रीवियस लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, और इनकेस अगर ऑडियो प्रॉपर नहीं है तो बिकॉज माई वॉइस इज़ नॉट गुड, माई थ्रोट इज़ रियली सोर, तो इसकी वजह से अगर ऑडियो प्रॉपर नहीं है तो आई एम रियली सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम तक ऑल विल बी ओके. तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, एंड कीप वॉचिंग एंड टू वॉच द प्रीवियस क्लासेज एज वेल. इसके अलावा एक 100 MCQs की भी सीरीज चल रही है यूट्यूब चैनल पर, ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ अनअकैडमी, 100 MCQs बेस्ड ऑन एनवायरमेंट, सो वो भी आप देख सकते हो. एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी आई गेस ऑन 24th ऑफ फेब को होगा, या फिर 22nd को हमारा 100 MCQs वाला है. तो आप प्लीज़ बी देयर एज वेल. उसमें हम पॉल्यूशन से रिलेटेड इंडिया में जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं, जैसे वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, वो वहाँ पर कवर करेंगे. ओके, सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, लेट्स कंक्लूड द क्लास नाउ. पहले के लेक्चर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, मतलब यूट्यूब चैनल पर जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे पहले के लेक्चर्स. ओके, तो पहले के लेक्चर्स वहाँ पर मिल जाएंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, ठीक है. कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको.